नमस्कार फ्रेंड, सबको ऑल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ कृष्णा। आज आप लोगों के साथ डीडीफीडीज का 39 ऑक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। डीडीफीडीज पे 39 ऑक्शन कब और किस प्रकार से होगा, सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग मेरा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। दोस्तों, 38 ऑक्शन में MPEG 2 के लिए 80 स्लॉट बिके थे, तो अभी बारी है 39 ऑक्शन का, जो सिर्फ MPG 4 स्लॉट के लिए होगा। DDFIDIS का टोटल स्लॉट है 100, उनमें से MPEG 2 का स्लॉट है 80 और MPEG 4 का स्लॉट है 20। MPG 4 का 20 स्लॉट से 3 स्लॉट पहले से बुक हो चुके हैं DD नेशनल, DD न्यूज़ और एक फॉरेनर चैनल के लिए। बाकी 17 स्लॉट के लिए नीलामी शुरू होगा 27 मार्च 2019 पे। अगर आप प्रसार भारती का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार एक नोटिस दिखाई देगा, जहां पे बताया गया है कि नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल सैटेलाइट टीवी चैनल फॉर अलॉटमेंट ऑफ MPG 4 स्लॉट ऑफ DDFIDIS DTH प्लेटफॉर्म थ्रू 39TH1 लाइन ई ऑक्शन प्रोसेस। तो ये जो नीलामी है 27 मार्च 2019 पे शुरू होगा। DDFIDIS से रिमूव होने वाला जो चैनल सोनी पाल, सोनी हुआ, जी अनमोल, स्टार भारत जैसे चैनल दोबारा DDFIDIS पे ऐड होगा कि नहीं, अभी आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा। तो कौन सा चैनल ऐड होगा तो हम लोग अभी बता नहीं सकते, क्योंकि जब तक नीलामी नहीं शुरू होता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, तब तक हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। आप लोग किसी के बातों में ध्यान ना दीजिए। कोई ऐसा लोग होता है जो बताते हैं जो स्टार गोल्ड, जी सिनेमा जैसा चैनल इसमें ऐड होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये फेक न्यूज़ है। किसी का बात में आप लोग ध्यान ना दीजिए, वेट करिए 27 मार्च तक, उसके बाद रिजल्ट आने वाला है, तब हम लोगों को पता चलेगा कितने चैनल और कौन कौन सा चैनल DDFIDIS पे ऐड हुआ है। तो सभी चैनल जब ऐड होगा उसके देखने के लिए आप लोगों को पागारिया सॉलिड के जैसे MPG 4 सेटअप बॉक्स चाहिए। आपके पास अगर MPG 2 सेटअप बॉक्स है तो आप लोग उसमें नहीं देख पाएंगे, इसके लिए MPG 4 सेटअप बॉक्स का ज़रूरत है। तो अगर इससे ज़्यादा विस्तृत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग विजिट कर सकते हो प्रसार भारती का ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सदा शुक्रिया, थैंक यू।